नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आज हम खड़े हैं दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में। यहाँ एनजीओ संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया है भाजपा के द्वारा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 रण पर है और सभी अध्यक्ष और बड़े बड़े पार्टी के नेता रैलियां और जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। तो यही भाजपा के भी राज्यसभा सांसद गीता सक्या ने यहाँ पर आके एनजीओ संवाद सम्मेलन के में हिस्सा लिया। तो आइए उनसे जानते हैं। मैम, आपके अनुसार सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपके चैनल का कि आप हमारे कार्यक्रम में, एनजीओ के कार्यक्रम में आप आई हुए हो। आप कह रहे सशक्तिकरण में बाधा क्या आती है? देखिए, एक महिला के लिए पूछ रही है, पुरुष के लिए? नहीं, महिला के लिए। महिला के लिए देखिए, हमारा भारत पुरुष प्रधान देश रहा है तो महिलाओं को घर से निकलने में बहुत बाधा आई और आती है, लेकिन कुछ करने का अगर जो आप में जज्बा हो तो मुझे लगता है कि वो बाधाएं सारी छोटी पड़ जाती हैं। और आज जब मैं उस समय की बात करती हूँ जब देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हुए हैं, तो उन्होंने तो देश की बेटियों को, देश की मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए दिन रात काम किया है। चाहे स्वावलंबन के क्षेत्र में हो, जो महिला सम्मान के क्षेत्र में हो, या महिला सुरक्षा के क्षेत्र में हो, लगातार काम किया है। तो मुझे लगता है आज तो हम लोगों को रास्ता बड़े सरल होती चली जा रही है। मैम, संगठन में सशक्त महिलाओं के होने का क्या लाभ है? देखिए, संगठन में सशक्त महिलाओं का मेरा जो मानना है कि महिलाओं की आवाज को बुलंद करना, अगर जो महिलाओं के साथ कहीं कुछ हो रहा है गलत, तो उनके साथ महिला खड़ी होकर उसके साथ न्याय दिलाने का काम करना। महिलाओं के सशक्त बनने के लिए सामाजिक परिवर्तन की में क्या आवश्यकता है? देखिए, आज भी जब तक हम, मतलब हम मानते हैं कि जब तक सोच नहीं बदलेगा तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन आज मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि जिस तरीके से हमारी सरकार के किए गए कामों और दिशा निर्देश, और जिस तरीके से देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो भी किसी को एक आह्वान दिया हो, तो पूरे देश के चाहे स्त्री हो पुरुष हो एक साथ खड़े हैं, तो निश्चित तौर आज परिवर्तन आ चुका है और आज पुरुष और महिला एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम भी कर रहे हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या सरकार अपने वादों पर खड़ी उतरी है? बिल्कुल उतरी है। मुझे तो, मैं तो जहाँ से आती हूँ इटावा औरैया से, मुझे तो ध्यान है कि वहाँ आतंक का पर्याय बना हुआ था। हमारी जब से उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की आई है, तब से सबसे पहला अगर जो उन्होंने कदम उठाया है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही उन्होंने एंटी रेमियो जैसी स्कर्ट बनाकर, योजना बनाकर ये साबित किया है कि महिलाओं को उन्होंने सुरक्षा के साथ साथ उनको आगे बढ़ाने का भी काम किया। धन्यवाद मैम।